अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 बूस्ट स्टॉक्स बताऊंगा ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में हो। तो इस वीडियो को लास्ट भी लाइक कर दे, लाइक पर क्लिक कर दे ताकि फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फौरन पहुंचे। और न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लास्ट भी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि देखिए, 40,000 के बाद से जब से इंडेक्स 23 से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये सारे स्टॉक्स 23 से इंडेक्स को यानी कि बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंडेक्स को ना बूस्ट कर रहे हैं एक तरह से। जब भी इंडेक्स गिरता है ना, कोई भी सपोर्ट लेवल इंडेक्स बनाता है, तो ये सारे स्टॉक्स मिलकर यानी इंडेक्स को बूस्ट करते हैं, तभी इंडेक्स ना 23 से ऊपर की तरफ जा रहा है। और वैसे भी जो टारगेट देखे मैंने आप लोगों को बताया ना इंडेक्स का, जो कि बनता है 75,000 का, तो बिल्कुल देखिए ये फर्स्ट टारगेट है इंडेक्स का। और इंडेक्स ना इस 75,000 के लेवल पे तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन देखिए अभी तो इंडेक्स ना 70s में आगे ट्रेडिंग कर रहा है, तो देखिए जो सपोर्ट लेवल बनता है ना इंडेक्स का मजबूत, ये बनता है 70,000 का, यानी कि 70,000 का ये बहुत ही मजबूत लेवल है। अभी देख के लग नहीं रहा है कि 70 का लेवल ना इंडेक्स ब्रेक कर दे, क्योंकि देखिए अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें यानी कि बाइंग जनरेट है और सारे स्टॉक्स तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तभी तो आप लोग को देख रहे हैं कि इंडेक्स भी यानी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और मैं देखें आप लोगों को इसीलिए सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी दे रहा हूँ ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में हो। यानी कि कोई भी ऐसा बेकार स्टॉक अगर आप लोगों ने बाय करा है, तो फिर आप लोग मेरी इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करके भी देखें ताकि फिर आप लोग ना बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में इस वीडियो को देखते हुए इन्वेस्टमेंट कर दें। क्योंकि देखिए अभी तो इंडेक्स को यहाँ से बिल्कुल बुलिश होना है, मैं तभी देखिए आप लोगों को टारगेट दे रहा हूँ इंडेक्स का, कि इंडेक्स का टारगेट पहला बनता है 75 का और फिर दूसरा बनता है टारगेट इंडेक्स का 80 का, यानी कि ये दो टारगेट से इंडेक्स के। लेकिन देखिए आप लोग बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में डिप में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, यानी कि डिप से मुराद मेरा ये होता है कि लो लेवल्स, जो कि इंडेक्स के लो लेवल्स होते हैं मजबूत लेवल्स, तो अगर आप लोग वहाँ कोई भी स्टॉक को बाय कर लेते हैं ना, तो फिर बिल्कुल वो स्टॉक आप लोगों को लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन भी अच्छा देगा, इसके अलावा प्रॉफिट्स आप लोगों को ना मार्केट से अच्छे होंगे। लेकिन देखिए जिन कंपनीज की अर्निंग्स होगी सही मायनों में ना, वही स्टॉक्स बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए 40,000 इंडेक्स के बाद से, देखें जब से इंडेक्स 23 से बढ़ रहा है ना, तो जो कंपनीज की अर्निंग्स है ना, यानी कि जो कंपनीज कमा रही है अच्छा, जबकि इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पर है, यानी कि 22% से ऊपर पे अभी इंटरेस्ट रेट है, लेकिन जो कंपनीज कमा रही है ना, वही यानी कि फिर डिविडेंड्स भी दे रही है, वही फिर अपने इन्वेस्टर्स को ना अच्छे प्रॉफिट भी दे रही है, यानी कि वो स्टॉक तेजी से बढ़ रहे। देखिए साजगार की मिसाल आप लोगों के सामने। इसके अलावा काफ़ी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, हब पावर है, SNGP है, देखिए जो जो कंपनी का स्टॉक गैल है, यानी कि नेशनल फूड्स है, बहुत सारे नेम्स आप लोगों के सामने देखे मैं लेके इसीलिए आ रहा हूँ ताकि फिर आप लोग ने इन्हीं स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए बाय करिएगा, ताकि फिर देखें मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ना इन कंपनीज के स्टॉक्स के मजबूत सपोर्ट लेवल्स बताए हुए हैं, ताकि फिर आप लोग ना सपोर्ट लेवल देखते हुए बाय करेंगे ना, तो फिर आप लोगों की बारी यानी कि जल्दी भी आएगी और कभी भी यानी ऐसा नहीं होगा कि आप लोग किसी स्टॉक में फंस जाएं। क्योंकि देखें जल्दबाजी में कोई भी यानी डिसीजन ले लेता है ना, तो फिर उसको ना मार्केट में देखें हमेशा हार होती है। क्योंकि देखें मार्केट बिल्कुल आप लोगों को मौका दे रही होती है, और ये जो 10 कंपनीज के स्टॉक्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, ये 10 के स्टॉक्स बरसने को तैयार, यानी कि आप लोगों को एक बहुत शानदार मुनाफे भी देंगे। तो मैंने तो देखिए आप लोगों को डिप पे यानी 6 मंथ 8 मंथ पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तब से मैंने आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना लो लेवल पे बाइंग करवाई थी, जब इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा था 48,000 50,000 के लेवल पे, तब देखे मैंने आप लोगों को बाय करवाए थे। और फिर जितने भी लोगों ने उन लेवल्स पे यानी कि जो लो लेवल्स पे वहाँ उन कंपनीज के स्टॉक्स की बाइंग करी हुई है, तो फिर शानदार प्रॉफिट्स उन लोगों को होंगे। क्योंकि देखिए मार्केट में आप लोगों के पास बिल्कुल अभी मौका है, अगर आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक में फंस चुके हैं ना, तो फिर आप लोगों की बारी लाजमी आएगी। क्योंकि देखिए इंडेक्स ना वैसे भी बुलिश ट्रेंड में है, मैं तभी देखिए आप लोगों के कमेंट्स के आंसर भी इसीलिए दे रहा होता हूँ, और मैं आप लोगों के वीडियोज़ को लाइक करने का भी इसीलिए बोल रहा होता हूँ ताकि फिर आप लोगों तक ना मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँ तो ये वीडियो फौरन पहुंचे और फिर की वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। क्योंकि देखिए मैं अपनी पूरी वर्किंग करके देखिए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा होता हूँ, तो फिर आप लोगों ने आज के इनकी ट्रेडिंग में भी सारी कंपनीज के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखी ली। देखें मैंने आप लोगों को 100 रुपये से नेशनल फूड्स की बाय कॉल दी थी, मेरे चैनल पर नेशनल फूड की वीडियो अपलोड है, तो आज के दिन भी देखें नेशनल फूड का स्टॉक 170 रुपये के लेवल को देखें ब्रेक किया। मैंने आप लोगों को नेशनल फूड का टारगेट दिया हुआ है 200 का, यानी कि ये टारगेट 200 रुपये का नेशनल फूड्स का है, तो ये बिल तेजी से बढ़ के इस टारगेट तक जाएगा। मैं आप लोग को 10 कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, तो फिर आप लोग ना इन 10 कंपनीज के स्टॉक्स के नेम अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि फिर आप लोगों की इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में देखें इन्वेस्टमेंट भी हो। लेकिन अगर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा हुआ है, तो फिर कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, तो ये स्टॉक तेजी से बढ़ लें तो फिर प्रॉफिट्स भी आप लोगों को अच्छे होंगे। तो इन स्टॉक्स में अभी जितने भी लोगों ने बाय करा हुआ है, तो फिर सबको यानी कि मुनाफे अच्छे हो गए इन कंपनीज के स्टॉक, फिर आप लोगों के पास भी अच्छा मौका है कि आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। तो फिर फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसकी बाय कॉल की बात कर लेता हूँ ना, जो मैंने आप लोगों को इसकी दी थी, तब तो ये बहुत यानी कि लो लेवल्स पे ट्रेडिंग कर रहा था, 75-80 रुपये के रेट से मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी। लेकिन देखिए मैं आप लोगों को अभी भी इसकी बाय कॉल दे रहा है इसीलिए, क्योंकि ये अभी 113 रुपये के रेटों पर देखिए ट्रेडिंग कर रहा है, ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स है, यहाँ आप लोग इसको बाय करें ताकि प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हों।
पीपीएल। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ जिसका नेम है ओजीडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक है, तो फिर बिल्कुल आप लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये स्टॉक भी तेजी से बढ़ रहा है, 137 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है 158 का। देखिए जिस तरह से इंडेक्स बढ़ रहे हैं, तो फिर ये स्टॉक बिल्कुल देखिए इंडेक्स को बूस्ट दे रहा है, तो भी जो इंडेक्स देखिए इन्हीं स्टॉक्स की वजह से ही तेजी से बढ़ रहे हैं, तो फिर बिल्कुल आप लोग इसको करंट रेटों पर बाय करें, इसमें कोई ऐसा मसला खराबी नहीं है, कैपिटल गेन आप लोगों को ये स्टॉक शानदार दे आएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है, लेकिन ये बहुत ही मजबूत टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है। इसका नेम है एवेंसियन लिमिटेड, AVN इसका कोड है। देखें आज के इनकी ट्रेडिंग में तो ये 58 रुपये 57 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन देखें बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, इसने डिविडेंड्स और बोनस शेयर्स भी अभी दिए हैं जो कि एक्स होके ये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बाइंग का इसकी इसीलिए कह रहा हूँ कि ये स्टॉक आप लोगों को ज़बरदस्त मुनाफा दे जाएगा। वैसे भी देखिए इसका टारगेट बनता है एवेंसियन का 85 रुपये से लेकर 90 रुपये का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है पायनियर सीमेंट, PIOC इसका कोड है, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। जब से इसकी अर्निंग शानदार आई है ना, तो तब से ये स्टॉक देखिए कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। मैंने आप लोगों को इसका टारगेट दिया है 180 रुपये का, तो 180 रुपये का इसका टारगेट है, आप लोग बिल्कुल बाय करें। देखिए ये स्टॉक न्यू हाइस बना रहा है और रेजिस्टेंस भी इसने ब्रेक कर दिया है पायनियर सीमेंट ने, तो ये स्टॉक ना अर्निंग्स की वजह से बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। जिसका टारगेट बनता है ना, वो इसका बनता है 200 रुपये का, तो ये बिल्कुल देखिए लॉन्ग टर्म में होगा 200 रुपये तक, लेकिन ये बिल्कुल अब आप लोगों को न्यू रेट्स दिखाएगा, न्यू हाइस तो ये वैसे भी बना ही रहा है। तो फिर इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर के बहुत ही मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है अडक रिफाइनरी लिमिटेड, ATRL इसका कोड है। देखिए ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, तेजी से बढ़ रहा है, सारे इसने अपने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिए हैं। अब जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, जिससे ये नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ये इसको बिल्कुल ब्रेक करेगा, क्योंकि देखें 400 रुपये की लेवल पे ना वॉल्यूम मजबूत बन रहे हैं, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है 418-419 रुपये का, ये इसको ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि 415 से ऊपर पर ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर ये बिल्कुल यहाँ से बढ़ेगा और न्यू हाइस बनाएगा, तो फिर बिल्कुल आप लोग इसको बाय करें। मैं आप लोगों को ना अपनी पिछली वीडियोज़ में इसकी बाय कॉल कब से देता हुआ आ रहा हूँ, जो कि इसके रेट थे 155 रुपये से लेके 160 रुपये के, तो ये बिल्कुल देखें अभी कितना तेजी से बढ़ रहा है और सारे इसने यानी कि अपने रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिए और न्यू हाइस ये बना रहा है। इसकी भी अर्निंग शानदार है, KC 100 का मजबूत हैवीट स्टॉक है, मैं तभी आप लोगों को इसकी बाय कॉल अभी दोबारा दे रहा हूँ। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो काफ़ी सवाल आ गए थे आप लोगों के इस कंपनी के हवाले से कि इतना तेजी से बढ़ रहा है तो ये और कहाँ तक जाएगा। इसका नेम है हब पावर लिमिटेड, हबको इसका कोड है। कोई भी सवाल आप लोगों का आप लोगों ने बताएं कमेंट सेक्शन में करके भी, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवाल के आंसर ना कमेंट्स देख के आप लोगों को दे दूँ। तो हब पावर कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो 137 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है। देखें बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है, 40 लाख से ज़्यादा शेयर्स का पावर कंपनी के स्टॉक में काम भी हो गया है। 137 रुपये के इसके रेट हैं, लेकिन न्यू हाइस बना रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसको बाय करें। इसका अब जो टारगेट बनता है ना, नया टारगेट वो इसका बनता है 155 का, क्योंकि देखिए ये हर लेवल पे यानी कि वॉल्यूम बन रहे हैं। देखिए वॉल्यूम इसको साफ इंडिकेट यही कर रहे हैं कि ये ना बुलिश ट्रेंड में दाखिल है, अब ये न्यू हाइस बना रहे, तो फिर आप लोगों को कैपिटल गेन शानदार जाएगा, तो फिर इसको ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों बाय करें। वैसे भी देखें जो मैं आप लोगों को बात कह रहा था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये स्टॉक्स बिल्कुल पैसा बढ़ाने को तैयार है, देखें सही मायनों में ना पैसा आप लोगों का इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में बन सकता है, क्योंकि ये स्टॉक देखें तेजी से बढ़ रहे हैं और बिल्कुल इंडेक्स को ये स्टॉक्स बूस्ट कर रहे हैं। मैं तभी देखें आज की वीडियो का टाइटल भी यही रखा कि बूस्ट स्टॉक्स, क्योंकि देखें इंडेक्स बूस्ट हुई इन्हीं स्टॉक्स की वजह से रहा है, तो फिर बिल्कुल आप लोग इसको बाय करिएगा। डिविडेंड्स भी इसके शानदार है, यानी कि डिविडेंड की हिस्ट्री अगर मैं देख लेता हूँ ना पे आउट्स की, तो हर क्वार्टर में देखिए कंपनी पे आउट दे रही है, यानी कि बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही इसको बाय कर रहे हैं, तभी तो ये स्टॉक देखिए गिन नहीं पा रहा और बड़ी इसलिए रहा है क्योंकि सेलिंग ही नहीं आ रही इसकी किसी भी लेवल पर, माली सेल नहीं हो रहा तभी ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है SNGP। देखिए मैंने आप लोगों को 40 रुपये से इसकी बाय कॉल दी थी और 81 रुपये का इसका रेजिस्टेंस था, तो मैंने आप लोगों को टारगेट भी इसका दिया था 80 रुपये का, तो वहाँ तो लोगों ने अच्छा यानी कि इसको बेचा और मुनाफे अच्छे बने, लेकिन देखिए मैं आप लोगों को दोबारा इसकी बाय कॉल दे रहा अभी इसीलिए हूँ ताकि ये स्टॉक आप लोगों के पोर्टफोलियो में हो, तभी देखें ये स्टॉक ना आप लोगों को मुनाफा अच्छा दे आएगा जब आप लोगों ने इसको बाय किया हुआ होगा। देखें जो इसके मजबूत लेवल्स हैं ना, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर सवाल करते हैं कि मजबूत लेवल्स बताएं, तो इसके 60 से लेकर ना 62 रुपये के मजबूत सपोर्ट लेवल है, लेकिन करंट रेटों पर देखें आप लोग उसको बाय करें और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे जाया करें, लॉन्ग टर्म के हवाले से कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही देखें सही मायनों में जीत होती है और मुझे भी जो प्रॉफिट्स होते हैं ना अच्छे हैं वो मुझे लॉन्ग टर्म में होते हैं, यानी कि 6 मंथ 2 मंथ 8 मंथ या 1 मंथ, क्योंकि देखें आप लोग फॉरन अगर इंटरडे पे जाएंगे ना या 1 वीक वीकली ट्रेडिंग पे, तो देखिए वीकली और इंटरडे में ना मार्केट कभी कभार ऐसा करती है कि आप लोगों को ना हरवा देती है, यानी कि आप लोगों को लॉस हो जाता है, या वरना फिर आप लोग अगर 1 मंथ पे कम से कम स्टॉक की होल्डिंग कर लेते हैं ना, क्योंकि देखिए टारगेट्स ना
अगर कंपनी अर्निंग में होगी ना तो फिर टारगेट आप लोगों का मन मन के अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर कंपनी लॉस में होगी तो फिर टारगेट आप लोगों का नहीं आ पाएगा। मैं तभी देखें आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी का स्टॉक खास तौर पे अगर सर्कुलर डेट का मसला हल होता है तो फिर ये स्टॉक तेजी से बढ़ेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन आप लोगों की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के स्टॉक में होगी ना तो फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये भी बहुत ही मजबूत कंपनी का स्टॉक है। इसका नेम है बागिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, POL इसका कोड है। देखिए आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ ना इसकी, क्योंकि आप लोग के सवाल थे इस कंपनी के हवाले से कि हमने इसको बाय करा हुआ है 450 के रेटों पे, लेकिन ये तो अभी इससे नीचे की तरफ आ गया है। तो देखिए ये इसके ना मजबूत सपोर्ट लेवल है जो कि इसके 440 रुपए के, यानी कि अभी करंट रेटों पे आप लोगों को मैं बाइंग कैसे ले कह रहा हूँ कि ये स्टॉक बिल्कुल बढ़ रहा है, तो फिर बिल्कुल आप लोग इसको बाय करें। इसमें देखिए नुकसान भी नहीं होगा आप लोगों को ना हार होगी। तो एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है होंडा कार्ड। देखें ज्यादातर लोगों के कमेंट्स आए हुए थे, मैं इसीलिए आप लोगों को इसका दोबारा बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही मजबूत कंपनी का स्टॉक है, लेकिन देखिए मैंने आप लोगों को 200 रुपये से इसकी बाय कॉल दी थी। जितनी भी लोगों ने देखे इन रेटों पर इसको बाय करा, जब ये काफ़ी टाइम यानी कि एक्यूमुलेट होता रहा, तो देखिए प्रॉफिट्स कितने अच्छे यानी कि उन लोगों को हो गए। शॉर्ट टर्म में 1-1.5 मंथ के अंदर इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 100 रुपये से ऊपर का आप लोगों को कैपिटल गेन भी दिया। अब जो टारगेट इसका बनता है ना होंडा कार का, वो बनता है 400 रुपये का, यानी ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने तेजी से बढ़ते हुए 400 रुपये का लेवल भी ना ब्रेक करके उसके ऊपर निकलेगा। तभी देखिए जितनी भी लोगों ने इसकी होल्डिंग करी हुई है ना, तो वो तो देखिए आप सेल ही नहीं कर रहे, इसीलिए स्टॉक बढ़ रहा है, तो फिर मैं आप लोगों को इसकी बिल्कुल बाय कॉल दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर किसी को ईफर्ट का स्टॉक बाय करना हो ना, तो फिर आप लोग बिल्कुल ईफर्ट के स्टॉक को भी बाय कर लो। देखें ये स्टॉक भी तेजी से बढ़ रहा है और 10 रुपये का देखिए आज कैपिटल गेन इस कंपनी के स्टॉक ने दिया। जो टारगेट बनता है ना ईफर्ट का, वो इसका बनता है 185 का। मैं तभी देखिए आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में हो। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दे, लाइक पे क्लिक कर दे, ताकि फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फौरन पहुंचे। और न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोज मैं जैसी अपलोड करूँ तो आप लोगों को मिलती है, ताकि फिर जिससे ना आप लोगों की डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक करने में आसानी हो जाए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।